हेलो फ्रेंड्स, सेल्फ गाइड स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज मैं आप सबको बताने वाला हूँ प्रैक्टिस सेट का ये 8वां भाग है, जो कि असिस्टेंट लोको पायलट और टेक्नीशियन का प्रैक्टिस सेट है। और ये रेलवे जेई में भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना ये लोको पायलट या UP SSC हो या फिर रेलवे जेई हो, इन सभी में ये आपका इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये टेक्निकल क्वेश्चन आंसर है। ठीक है, और इन सभी ट्रेडों में से जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन सभी क्वेश्चन को मैंने अपने वीडियो में लिया है। तो ठीक है, आइए चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो वीडियो देखने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, जो लोग पहली बार आए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ ही साथ बेल के आइकन को जरूर दबाएं। ठीक है, यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन है, कंड्यूट पाइप वायरिंग के निम्न में से क्या लाभ नहीं है। तो कंड्यूट पाइप वायरिंग के निम्न में से क्या लाभ नहीं है, इसका ऑप्शन है, ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है, इसमें यांत्रिक सुरक्षा काफ़ी होती है, यह वाटरप्रूफ होता है। ऑप्शन सी है, यह अग्नि से पूर्णतया सुरक्षित रहती है। और ऑप्शन नंबर डी है, यह अधिक कीमती होती है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह अधिक कीमती होती है, जो कि इसका ये लाभ नहीं है बल्कि इसका हानि है कंड्यूट पाइप की वायरिंग का। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह धारा जो किसी निश्चित समय में अपनी दिशा एवं मान परिवर्तित कर लेती है उसे क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन ए है AC धारा, ऑप्शन बी है DC धारा, ऑप्शन सी है हाई धारा, ऑप्शन डी है निम्न धारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, जो अपना निश्चित समय में दिशा एवं मान दोनों परिवर्तित करती है वो AC करंट कहलाती है, मतलब कि अल्टरनेटिंग करंट प्रत्यावर्ती धारा कहलाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, आप लोग लाइक और शेयर जरूर किया कीजिए मेरे वीडियो को, ताकि आपके साथ आपके दोस्तों को भी फायदा हो जाए। और अगला क्वेश्चन है, AC की पूरी एक साइकिल बनने में जो समय लगता है उसे क्या कहते हैं। जो AC होता है अल्टरनेटिंग करंट होती है, इसे एक पूरी साइकिल ये बनने में जो समय लगता है तो इस समय को क्या कहते हैं। इसका ऑप्शन ए है फ्रीक्वेंसी, ऑप्शन बी है पीरियोडिक टाइम, ऑप्शन सी है एम्पलीट्यूड, ऑप्शन डी है फेज डिफरेंस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पीरियोडिक टाइम हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, AC के उच्चतम मान और प्रारंभिक मान के अनुपात को कहते हैं। AC के उच्चतम मान और प्रारंभिक मान के अनुपात को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए फॉर्म फैक्टर कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी पीक फैक्टर कहते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर सी RMS मान कहते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर डी तात्कालिक मान कहते हैं। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, AC के उच्चतम मान और प्रारंभिक मान के अनुपात को पीक फैक्टर कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है। जितने भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं वो सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और अक्सर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं ये सब क्वेश्चंस। और इसके बाद अगला क्वेश्चन है, AC के RMS मान और औसत मान के अनुपात को क्या कहते हैं। AC के RMS मान एवं औसत मान के अनुपात को क्या कहते हैं। इसका ऑप्शन है पीक फैक्टर, ऑप्शन बी है फॉर्म फैक्टर, ऑप्शन नंबर सी है तात्कालिक मान, और ऑप्शन नंबर डी है औसत मान। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, फॉर्म फैक्टर कहते हैं AC के RMS मान एवं औसत मान के अनुपात को। ठीक है, और जो लोग पहली बार देख रहे हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल के आइकन को जरूर दबाएं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, मैगर का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए नहीं किया जाता है। तो इसका सही है ऑप्शन देख लेते हैं पहले। इसका ऑप्शन है इंस्टॉलेशन का लीकेज टेस्ट करने के लिए, इसके लिए तो किया जाता है। ठीक, ऑप्शन बी है इंस्टॉलेशन का शॉर्ट सर्किट टेस्ट करने के लिए, इसके लिए भी किया जाता है। और ऑप्शन नंबर सी हाई रेजिस्टेंस मापने के लिए, तो इसके लिए भी मैगर का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, मतलब कि मैगर का उपयोग निम्नलिखित में से किसके लिए नहीं किया जाता है, तो इनमें से कोई के लिए नहीं। ठीक है, ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर के किस बाइंडिंग में सप्लाई दी जाती है। तो प्राइमरी बाइंडिंग में दी जाती है, या फिर ऑप्शन नंबर बी सेकेंडरी बाइंडिंग में, या ऑप्शन नंबर सी सैंडविच बाइंडिंग में, या फिर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्राइमरी बाइंडिंग में ट्रांसफार्मर की सप्लाई दी जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुरक्षा की दृष्टि से वायरिंग का चयन किन बातों को ध्यान में रखकर करना चाहिए। तो सुरक्षा की दृष्टि से वायरिंग का चयन किन बातों को ध्यान में रखकर की जानी चाहिए। ऑप्शन ए है
अग्नि से दूरी, ऑप्शन बी है वायरिंग का मूल, ऑप्शन सी है यांत्रिक चोटों से बचाव, ऑप्शन डी है उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा उपर्युक्त सभी। इन सभी बातों को ध्यान में रखकर वायरिंग का चयन करना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है, वायरिंग करने के लिए निम्न में से कौन सी आवश्यक सामग्री होती है? तो वायरिंग करने के लिए निम्न में से कौन सी आवश्यक सामग्री होती है? तारें होती है, ऑप्शन बी लकड़ी के पेच होते हैं, ऑप्शन नंबर सी मीटर बोर्ड होता है, और ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। इन सभी चीज़ों की आवश्यकता होती है वायरिंग करने में, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रिक शॉक निम्नलिखित में से किस अवस्था में हो सकते हैं? यहाँ पर यह बताना है आपको कि इलेक्ट्रिक शॉक के निम्नलिखित में से किस अवस्था में हो सकते हैं। तो यहाँ दिया हुआ है ऑप्शन ए, घरेलू उपकरणों या उपस्करणों द्वारा घरों अथवा कार्यालयों में प्रयुक्त 440 वोल्ट तक की वोल्टता वाले उपस्करणों द्वारा, या फिर ऑप्शन बी है किसी मुख्य तार से वोल्टता पर कार्य कर रहे उपकरणों के द्वारा, या ऑप्शन सी है 1100 या अधिक एसी वोल्टेज तक की उच्च वोल्टता वाली भूमि के से ऊपर वाले तार के द्वारा, या ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, क्योंकि इन सभी के कारणों से इलेक्ट्रिक शॉक लग सकता है, इलेक्ट्रिक झटके लग सकते हैं, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मरकरी आर्क रेक्टिफायर का पावर फैक्टर ट्रांसफार्मर के किस फेज पर निर्भर करता है? तो मरकरी आर्क का जो यहाँ पर पूछा गया है, रेक्टिफायर का पावर फैक्टर वो ट्रांसफार्मर के किस फेज पर निर्भर करता है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है प्राथमिक, ऑप्शन नंबर बी है द्वितीयक फेज, ऑप्शन नंबर सी है उच्च, और ऑप्शन नंबर डी है निम्न। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो कि मरकरी आर्क रेक्टिफायर का पावर फैक्टर ट्रांसफार्मर के द्वितीयक फेज पर निर्भर करता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, डायमैग्नेटिक पदार्थ वे हैं जिनकी परमीबिलिटी होती है। तो यहाँ परमीबिलिटी बताना है, डायमैग्नेटिक पदार्थ की परमीबिलिटी क्या होती है। तो परमीबिलिटी क्या होती है यहाँ बताना है। इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है एक से अधिक, ऑप्शन बी है एक से कम, ऑप्शन नंबर सी है शून्य, ऑप्शन नंबर डी है 10 से अधिक। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, एक से कम होती है। डायमैग्नेटिक पदार्थ की परमीबिलिटी एक से कम होती है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि पल्स ट्रांसफार्मर में प्रयोग होने वाले क्रोड क्या होता है? क्रोड, सॉरी यहाँ क्रोड होगा, ये यहाँ पर पल्स ट्रांसफार्मर में प्रयोग होने वाली क्रोड कौन सी होती है? तो इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए है तांबा क्रोड, ऑप्शन नंबर बी है लौह क्रोड, ऑप्शन नंबर सी है फेराइट क्रोड, ऑप्शन नंबर डी है वायु क्रोड। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तांबा का, नहीं सॉरी ऑप्शन नंबर ए नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फेराइट क्रोड का प्रयोग किया जाता है पल्स ट्रांसफार्मर में, प्रयोग किया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक टीवी में परछाई को खत्म करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मतलब कि क्या होना चाहिए उसमें टीवी की परछाई जिससे खत्म हो जाए, ठीक है। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर ए है प्रसारण लाइन लंबी होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी है एक बूस्टर लगा होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी है एंटीना की दिशा परिवर्तित होनी चाहिए, और ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एंटीना की दिशा परिवर्तित होनी चाहिए। एंटीना की दिशा को परिवर्तित होने पर एक टीवी में परछाई खत्म हो जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, टेलीफोन में डायल टोन की क्या फ्रिक्वेंसी होती है? इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है 1 हर्ट्स, ऑप्शन बी है 13 हर्ट्स, ऑप्शन नंबर सी है 33 हर्ट्स, ऑप्शन नंबर डी है 133 हर्ट्स। तो टेलीफोन में डायल टोन की फ्रीक्वेंसी 33 हर्ट्स होती है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, वह यंत्र जो कि दशमलव से द्विधारी संख्या में बदलने में प्रयोग किया जाता है तो क्या कहलाता है? इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है सीपीयू, ऑप्शन नंबर बी है डिकोडर, ऑप्शन नंबर सी है परिवर्तक, और ऑप्शन सी नंबर डी है इनकोडर। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनकोडर के माध्यम से दशमलव से द्विधारी मतलब कि बाइनरी संख्या में बदला जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा तर्क गेट डी श्रेणी स्विच की तरह काम करता है? तो इसका ऑप्शन है, ऑप्शन ए है और गेट, ऑप्शन बी है नैंड गेट, और ऑप्शन नंबर सी है एंड गेट, ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एंड गेट। अगला क्वेश्चन देखते हैं।
यहाँ एयर कंडीशनर जिस स्थान पर लगाया जाता है वहाँ पर क्या होना चाहिए? इसका ऑप्शन देखते हैं, पूर्ण प्रकाश होना चाहिए, या फिर पूर्ण रूप से अंधेरा होना चाहिए, या ऑप्शन नंबर सी है छाया होनी चाहिए, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एसी जहाँ प्रयोग किया जाता है, जिस स्थान पर लगाया जाता है, वहाँ पर छाया होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शोषित विधि में रेफ्रिजरेंट प्रयुक्त होता है। तो शोषित विधि में रेफ्रिजरेंट में क्या प्रयुक्त होता है? तो इसका ऑप्शन ए देखते हैं, फ्रियॉन, ऑप्शन नंबर बी अमोनिया, ऑप्शन नंबर सी मेथिलीन क्लोराइड, ऑप्शन नंबर डी इथेन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, जो प्रशीतक बर्फ प्लांट में प्रयुक्त होता है, वो उसमें क्या होती है? जो प्रशीतक होता है वो बर्फ प्लांट में जिसे का प्रयोग किया जाता है, तो उसमें क्या वो भरी होती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ऑप्शन बी अमोनिया होता है, या फिर ऑप्शन सी मिथाइल, या फिर ऑप्शन डी पानी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमोनिया, अमोनिया प्रयुक्त होता है प्रशीतक बर्फ प्लांट में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, जल किस तापमान पर जमना शुरू हो जाता है? तो इसका ऑप्शन ए है 0 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है -4 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी है 3 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 0 डिग्री सेल्सियस पर जल का तापमान, 0 डिग्री तापमान पर जल जमना शुरू हो जाता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये दिया हुआ है 10 की पावर 1 और (10^1)×(10^n) क्षेत्रफल वाले कमरे के लिए सही विंडो एसी चुनाव करें। तो इस क्षेत्रफल के लिए कौन सा विंडो एसी प्रयोग किया जाएगा? यहाँ ये बताना है, ऑप्शन नंबर ए देखते हैं 5 टन, ऑप्शन नंबर बी 3 टन, ऑप्शन नंबर सी 1 टन, ऑप्शन नंबर डी 1.5 टन। तो यहाँ सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1 टन का एसी का प्रयोग किया करते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, R12 का खोलन बिंदु कितना होता है? तो R12 का खोलन बिंदु कितना होता है? ऑप्शन ए है इसका 15 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी 20 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी -29 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर डी -10 डिग्री सेल्सियस। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, R12 का खोलन बिंदु -29 डिग्री सेल्सियस होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, अमोनिया रेफ्रिजरेशन प्रणाली में प्रयोग किए जाने वाला पाइप किस पदार्थ का बना होता है? तो अमोनिया रेफ्रिजरेशन सिस्टम जो होती है उसमें पाइप जो प्रयोग किया जाता है वो किस पदार्थ का बना होता है? इसका ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए है तांबा, ऑप्शन नंबर बी है इस्पात, ऑप्शन नंबर सी है एल्युमिनियम, ऑप्शन नंबर डी है कांस। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इस्पात का प्रयोग किया जाता है पाइप बनाने में। ठीक है, इस और आप लोग हमें फेसबुक पेज पर भी लाइक कर सकते हैं, यहाँ नीचे लिंक दिया हुआ है। और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चुंबकीय क्लच का प्रयोग किसमें होता है? तो चुंबकीय क्लच का प्रयोग किसमें होता है? ऑप्शन बताना है, ऑप्शन ए है यातायात प्रसितन में, या फिर ऑप्शन बी वायुयान प्रसितन में, ऑप्शन सी कार प्रसितन में, ऑप्शन डी शीत भंडार प्रसितन में। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कार प्रसितन में चुंबकीय क्लच का प्रयोग किया जाता है। तो इस तरह से आज के 25 क्वेश्चंस पूरे हुए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।